बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम क्लास। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्जत बसुम। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज हम इंशाल्लाह नोबल गैसेस से कंटिन्यू करेंगे। कल हम जब अपना हैलोजेंस का टॉपिक एंड कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था। बेसिकली कल एंड से वीडियो जो है वो ड्रॉप हो गई थी। एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था कि कौन सी हैलोजिन है जो सबलाइम होके वॉयलेट वेपर्स देती है, तो वो आयोडीन ऐसी हैलोजिन है जो सब्लिमेशन के प्रोसेस में, यानी कि सब्लिमेशन क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फेज में जाना, यानी कि लिक्विड फेज से पास हुए बगैर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फेज में जाने के अमल को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के प्रोसेस में वो हैलोजिन जो वॉयलेट वेपर्स देती है वो कौन है, वो आयोडीन है। आज हमने नोबल गैसेज स्टार्ट करनी है। नोबल गैसेज का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। नोबल गैसेज क्या होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन और रेडॉन, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। इनको हमने पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट एंड पे प्लेस किया हुआ है। इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ग्रुप 8A भी कहते हैं, और इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। इस ग्रुप के सब एलिमेंट्स क्या हैं, कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये मोनो एटॉमिक गैसेज हैं। मोनो एटॉमिक क्यों हैं, ये अकेले एटम के तौर पर रहती हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाती। ये बॉन्ड क्यों नहीं बनाती, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये मोनोटॉमिक गैसेस की फॉर्म में पाई जाती हैं। इनको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं और सोल्डिफाइड भी कर सकते हैं। इनको हम गैसेस कहते हैं या इनको हम रेयर गैसेस यानी कि नायाब गैसेस भी कहते हैं। नोबल गैसेस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूंट बनाते हैं। अबाउट 1% हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो नोबल गैसेस पे मुश्तमिल होता है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास बुक में टेबल 5.5 में गिवन है। आपने इनकी कन्फिग्रेशन करके देखनी है और आपने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा देख लेना है, इनके ट्रेंड्स को देख लेना है। नोबल गैसेस को हम एयर से आइसोलेट कर सकते हैं, या तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आइसोलेट करेंगे या कोई भी दूसरा केमिकल मेथड यूज़ करके इनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ज़िनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन और नियॉन, ये चार ऐसी नोबल गैसेज हैं जिनको हम मेनली, यानी कि जो इनका प्रिंसिपल कमर्शियल सोर्स है वो एयर ही है, यानी कि इनको हम एयर से ही किसी न किसी केमिकल मेथड से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास हीलियम। हीलियम जो है वो हमारे पास अर्थ में रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में पाई जाती है। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, कोई भी अनस्टेबल आइसोटॉप, किसी भी एलिमेंट का अनस्टेबल आइसोटॉप डिके होके रेडिएशंस को इमिट करता है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। हाइड्रोजन के बाद हीलियम वो दूसरा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे यूनिवर्स में, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, हीलियम। हीलियम क्या होते हैं, बेसिकली जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके में तीन तरह की रेडिएशन होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम के ही डबली आयोनाइज्ड एटम्स होते हैं, यानी कि हीलियम प्लस टू, जिसको हम कहते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम प्लस टू। हीलियम को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम किसी भी नेचुरल गैस के लिक्विफिकेशन मेथड से हम हीलियम को आइसोलेट करते हैं, और ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल और इकोनॉमी के लिहाज से जो है वो अच्छा होता है कि हम लिक्विफिकेशन मेथड में, नेचुरल गैस के लिक्विफिकेशन मेथड में हम हीलियम गैस को ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आर्गोन। आर्गोन भी कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। आर्गोन जो है वो इनर्ट है। डेफिनेटली वैसे हमारे पास जितने भी नोबल गैसेज हैं वो सारी की सारी इनर्ट होती हैं। आर्गोन भी इनर्ट है और ये कोई ट्रू केमिकल कंपाउंड नहीं बनाती। इसको भी हम एयर की लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। हीलियम में भी हमने पढ़ा था कि हम नेचुरल गैस की लिक्विफिकेशन करते हैं और उसमें हम हीलियम गैस को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। यहाँ भी हम एयर की लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो आर्गोन को ऑब्टेन करेंगे। जो नियॉन है हमारे पास, नियॉन हमारे एटमोसफियर का 1/650 पार्ट है, यानी कि हमारे एटमोसफियर के अगर हम 65,000 पार्ट करें तो उसका 1/65,000 जो पार्ट है वो नियॉन का बना हुआ है, और इसको भी हम एयर के लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में आइसोलेट करते हैं। अच्छा, अब अगली यहाँ पे जिक्र किया गया है डिस्चार्ज ट्यूब का। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, आप लोगों ने अक्सर पेट्रोल पंप्स पे और बहुत ये मैकडोनल्ड्स वगैरह पे देखा होगा, जो बारिश साइन लगे होते हैं जो ग्लो कर रहे होते हैं, वो आम जो ट्यूब्स हैं वो नहीं होती जो हमारे घरों में लगी होती हैं या जो हम यूज़ करते हैं लाइट के लिए, वो होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब्स। डिस्चार्ज ट्यूब्स क्या होती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब्स में हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं, यानी कि या तो हीलियम होती है या नियॉन होती है। बेसिकली ये क्या होती है, इसमें हम बहुत कम टाइम के लिए कम सा वोल्टेज देते हैं। जब एक बार हम वोल्टेज दे देते हैं तो जो गैस अंदर हमने फिल की होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू होते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट जो है वो
गुजरता है और वो लाइट जो है वो ग्लो करती है, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज पे वो लाइट नहीं चल रही होती, वो लाइट बेसिकली उन गैसेस के ग्लो से चल रही होती है, उन गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से चल रही होती है। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब में नियोन का ग्लो अगर हम देखें तो वो रेडिश कलर का होता है, और तमाम नोबल गैसेस में नियोन वो वाहिद नोबल गैस है जिसका डिस्चार्ज जो है वो ऑर्डिनरी वोल्टेज और करंट पे भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। लिक्विड नियोन की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी लिक्विड हीलियम के मुकाबले में 40 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी रेफ्रिजरेट करने की जो कैपेसिटी है वो 40 टाइम्स ज़्यादा है लिक्विड हीलियम के मुकाबले में। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के भी ट्रेसेस प्रेजेंट है एयर में, ये भी कलरलेस और ऑडरलेस गैस होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और इसकी जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं वो हमारे पास ब्रिलियंट ग्रीन एंड ऑरेंज कलर, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रीन और ऑरेंज कलर आता है हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस में। अगर हम इसके कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास क्रिप्टॉन डाइक्लोराइड है जिसको हम वेरियस मेथड से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ज़िनोन। ज़िनोन की अगर हम बात करें तो ये भी एटमॉस्फेयर में स्मॉल एक्सटेंट में पाई जाती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, आलमोस्ट 0.08 ppm। ये MCQs बनेगा यहाँ से, और इसको भी हम एयर की फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेंड करते हैं। इसके अलावा ज़िनोन जो है वो कमर्शियल लेवल पे भी हमें मिल जाती है। किस तरह से मिलती है, जैसे हम अपने घरों में सिलेंडर्स भरते हैं गैस के, उस तरह से हाई प्रेशर पे इसके सिलेंडर्स भी फिल किए जाते हैं। ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेती है लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। हाउएवर वाटर के अंदर ये थोड़ा सा सोलबल होती है, स्लाइटली सोलबल होती है। कितना सोलबल होती है, यानी कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है तो उसमें इसकी कंसंट्रेशन होती है 110 ml पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 110 ml जो है वो डिजोल्व हो जाती है, और टेम्परेचर रेंज क्या होगी, 20 डिग्री सेल्सियस। लास्ट वन है हमारे पास रेडोन। रेडोन क्या होता है, ये रेडियम के अल्फा डिके की प्रोडक्ट होती है, यानी कि रेडियम जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक स्टेबल एलिमेंट है, रेडियम का जब अल्फ़ा डिके होता है, यानी कि जब वो अल्फ़ा पार्टिकल को डिके करता है, हीलियम प्लस टू को डिके करता है, इमिट करता है, तो हमारे पास क्या ऑब्टेंड होता है, रेडोन। यानी कि रेडियम के अल्फ़ा डिके से मुराद ये है कि रेडियम डिके होके अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करेगा, हीलियम प्लस टू को इमिट करेगा, और साथ हमारे पास रेडोन बनाएगा। रेडॉन भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में स्मॉल एक्सटेंट में पाया जाता है, और इसको भी हम एयर की लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेंड करते हैं। हाउएवर अगर हमें जितनी को क्वांटिटीज हमें इस गैस की चाहिए होती हैं, उनको हम बेसिकली रेडियम आइसोटोप के रेडियोएक्टिव डिके से ही ऑब्टेंड कर लेते हैं, यानी कि हम एयर की लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में जाने के बजाय क्या हम एयर की लिक्विफिकेशन करें और उसमें एज अ बाय प्रोडक्ट इसको ऑब्टेंड करें, हम रेडियम आइसोटॉप्स के अल्फा डिके के नतीजे में जो हमारे पास रेडोन बनता है उसी से इसको ऑब्टेंड कर लेते हैं। तमाम नोबल गैसेस, ये बहुत अहम फीचर है, नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनका बैलेंस शेल कंप्लीट होता है, यही वजह है कि ये इनर्ट होती हैं, इनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, यही वजह है कि ये किसी किस्म के रिएक्शंस शो नहीं करती, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है सिवाय हीलियम के। हीलियम के अंदर जो आपको पता है इसका, अगर हम देखें तो हीलियम 2-4 होती है, इसका जो बैलेंस शेल होता है उसमें 1s2 2s2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऑक्टेट का मतलब ये है, ये टर्म क्यों यूज़ की गई थी, कि हर एलिमेंट जो है वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की कोशिश करता है। तमाम नोबल गैसेस के वैलेंस शेल कंप्लीट हैं, लेकिन अगर हम ऑक्टेट की टर्म में देखें तो हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि अगर हम अदर्स को देखें तो उनके जो वैलेंस शेल है वो ऑक्टेट की टर्म में कंप्लीट हैं। कंप्लीट बैलेंस शेल है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होगी, डेफिनेटली हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत कम होते हैं, हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना कम है कि हम कहते हैं कि कोई भी अगर नॉन सब्सटेंस है तो उसके मुकाबले में हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम हैं, इनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत कम है, जो ये बात शो करती है कि जो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। डेफिनेटली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कम हैं, उनको ब्रेक करना, उनको बॉयल करना, उनको मेल्ट करना, उनको वेपराइज करना क्या है, ईजी है, हम ईजीली उनकी उस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। इनके एटम्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो बहुत वीक होती हैं।
अब हम देखते हैं कि इनमें किस किस्म की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। हमें पता है कि ये नोबल गैसेस क्या होती हैं, इनर्ट होती हैं, इनके ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं, यानी कि इनमें जो हम ऑर्डनरी आम तौर पर कॉमनली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर इंट्रैक्शन की, इनके अंदर उस तरह की कोई भी इंट्रैक्शन नहीं पाई जाती। तो जो इनके एटम्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं डेफिनेटली वो वंडरवाल्स टाइप की हैं, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हैं। तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत कम है, इनकी वाटर के अंदर सोलिबिलिटी बहुत कम होती है, और वाटर के अंदर इनकी सोलिबिलिटी भी डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो इंक्रीज होती है। कैसे? इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर से जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, और इसके अलावा भी जब एटम का साइज बड़ा होता है तो वाटर के अंदर रेडिली जो है वो पोलराइज हो जाता है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बिगर साइज एटम्स को इजीली पोलराइज कर सकते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल साइज एटम। टॉप टू बॉटम जब साइज एटम का इंक्रीज होता है तो वाटर के अंदर उसकी पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, तो वाटर के अंदर उसकी सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे।